कहानी 46 पौलुस मसीह विश्वासी बन जावा है। शाऊल नाम को एक आदमी हो जिके यीशु पर विश्वास को नहीं करियो। जद वो जवान हो बने स्तिफनुस ने मारन आला लोगों का कपड़ा की निगरानी करी ही। बाद में बने विश्वासिया ने सतायो हो। बने यरूशलेम में घर घर जागे आदमी और स्त्रियां दोनों ने गिरफ्तार करके जेलखाने में डाल दियो हो। फिर महायाजक शाऊल ने दमिश्क गांव जान की अनुमति दी। बने बठेगा मसीहा ने गिरफ्तार करन और बने वापिस यरूशलेम ले गए आन खातिर शाऊल ने कहो। अतः शाऊल दमिश्क जान की यात्रा शुरू करी। भी गांव पहुंचण मुँह थोड़ा ही पहला बिंगे चारा पासे आकाश मुँह एक उज्जवल प्रकाश चमक्यो और वो जमीन पर गिर पड़ो। शाऊल किने कहन तो सुनियो, हे शाऊल तू मन्ने क्यों सताए आवे है। शाऊल पूछो, हे प्रभु तू कुण है। यीशु बिना जवाब दियो, मैं यीशु हूँ तू मन्ने सताए आवे है। जद शाऊल उठ्यो तो वो देख को नहीं सक्यो हो। बिंगा मित्र बिना दमिश्क में ले गए गया। शाऊल 3 दिन तक कुछ भी खायो या पियो को नहीं हो। दमिश्क में हनन्या नाम गो एक चेलो हो। परमेश्वर बिना के हो बी घर का नहीं जा जठे शाऊल ठहरे हुए है। अपने हाथा ने बिंगा ऊपर रख ताके वो फेर देखन लग जाए। पर हन्या के ओ, हे प्रभु मैं सुनियो है के ई आदमी विश्वासिया ने किया सतायो है। परमेश्वर बिना जवाब दियो, जा मैं बिना यहूदिया में और दूसरी जातियां का लोगों में मेरे नाम की घोषणा करने खातिर चुन लियो है। वो मेरे नाम खातिर बहुत कष्ट सहवागो। अतः हन्याह शाऊल कन्ने गयो, अपने हाथा ने बिंगा ऊपर रखियो और कहो, यीशु जी को हठे आन गए तेरे मार्ग में तेरे ऊपर प्रगट होयो हो, मन्ने तेरे कन्ने भेजो है ताके तू फेर देखन लाग जाए और पवित्र आत्मा तन्ने भर दे। तुरंत ही शाऊल फेर देखन में सक्षम हो गयो और हन्याह बिना बपतिस्मो दियो। फिर शाऊल भोजन करियो और फिर बलवंत हो गयो। तब भी शाऊल दमिश्क में रहने वाले यहूदिया में प्रचार करना शुरू कर दियो। बने कहो, यीशु ही परमेश्वर को पुत्र है। यहूदी लोग हैरान हा क्योंकि शाऊल तो विश्वासिया ने मार डालन को प्रयास करियो हो, पर अब बने यीशु में विश्वास करियो हो। शाऊल यहूदिया सागे वाद विवाद करियो, बने दिखायो कि यीशु ही मसीह हो। बहुत दिना बाद यहूदिया शाऊल ने मार डालन की योजना बनाई। बां बिना मार डालन खातिर गांव के फाटक पर लोगों ने भेजो के बिंगी निगरानी करे। पर शाऊल भी योजना के बारे में सुन लियो हो और बिंगे मित्रा बिने बचा के निकलन में बिंगी सहायता करी। एक रात बां बिना टोकरी में बिठा के गांव की दीवार पर नीचे उतार दियो। दमिश्क मुंह बच गए निकलन के बाद शाऊल यीशु के बारे में प्रचार करना जारी रखियो। शाऊल प्रेरिता ने मिलन खातिर यरूशलेम गयो पर बेबीमू डरता हा। फिर बरनाबस नाम गो एक विश्वासी शाऊल ने प्रेरिता कन्ने ले गए गयो। बने बने बतायो कि शाऊल किए सासी हो गए दमिश्क में प्रचार करियो हो। बिंगे बाद प्रेरिता शाऊल ने स्वीकार कर लियो। कुछ विश्वासी जिका यरूशलेम गए स्ता मुँह भाग गया हा बे दूर अंताकिया गांव में चलिया गया अरे यीशु के बारे में प्रचार करता हा। अंताकिया में रहने वाला लोग अधिकतर यहूदी कुनी हा, पर पहली बार बामू बहुत सा लोग विश्वासी बन गया। बरनाबास और शाऊल आ नया विश्वासिया ने यीशु के बारे में अर अधिक सिखाण खातिर बैठा गया। कलीसिया ने मजबूत करियो। यीशु पर विश्वास करने वाला यहूदी पहली बार अंताकिया में ही मसीह गवाया। एक दिन अंताकिया का मसीह लोग उपवास गए सागे प्रार्थना कर रहा हा। पवित्र आत्मा बाने कहो, मेरे खातिर बरनाबास और शाऊल ने भी काम ने करन खातिर अलग कर दियो जिको करन खातिर मैं बाने बुलायो है। ई खातिर अंताकिया की कलीसिया बरनाबास और शाऊल खातिर प्रार्थना करी और बांगा ऊपर अपने हाथा ने रख दियो। फिर बाबा ने अन्य बहुत स्थाना पर यीशु के बारे में शुभ संदेश को प्रचार करने खातिर भेज दियो। बरनाबास और शाऊल अलग अलग जातियां का लोगों ने शिक्षा दी।
पर बहुत सा लोगां यीशु पर विश्वास करियो।